गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 15.6 का स्टडी करने वाले हैं और जिसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल का स्टडी करना है। एरिया ऑफ सर्कल के प्रैक्टिस सेट में काम आने वाले सभी फॉर्मूले मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, उसको पहले हम एक बार पढ़ लेंगे और फिर एक्सरसाइज के सम्स शुरू करेंगे। सर्कल का रेडियस अगर आर है तो ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सेकेंड फॉर्मूला, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस के ट्वाइस होता है। थर्ड फॉर्मूला, सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल यानी ये जो सर्कल का सर्क्यूलर लेंथ होता है, that length is called the circumference and that is given by 2 pi r। और ये सभी फॉर्मूलेज में जहां पर भी पाई है वहां पर हम पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। तो ये फॉर्मूले हमें प्रैक्टिस सेट 15.6 का स्टडी करने में काम आएंगे। तो चलो क्वेश्चन वन शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन इज, रेडियस ऑफ सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। तो यहां पर हमें तीन सम्स करने हैं। हर एक सम में हमें रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो चलो पहला सम करते हैं। पहले सम में हमें रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर और हमको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन का फर्स्ट सम गिवन रेडियस दैट इज आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्मूला काम आएगा। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। सो आंसर, फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई का वैल्यू हम लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, दैट इज आर इंटू आर एंड रेडियस इज गिवन 28, सो 28 इंटू 28। अब ये 7 से 28 को डिवाइड करेंगे, सो इट विल बिकम 7 × 7, 7 × 4 = 28। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा 22 × 4 = 88 इंटू 28। अब 88 और 28 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज 28 इंटू 88, 8 × 8 = 64, कैरी 6, 8 × 2 = 16 प्लस 6 22, अगेन 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यही डिजिट्स आएंगे 224, एडिशन 4642, सो ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 2464 एंड दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। So, इस तरह से हमने रेडियस दिया था, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया। इसके बाद करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो चलो गिवन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, गिवन रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो 2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अब आगे आंसर, फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, दैट इज 10.5 × 10.5। अब ये 7 से ये पहले वाले 10.5 को हम डिवाइड करेंगे। 7 × 7, 7 × 7 3 इज रिमेनिंग, 35 हो गए, 7 × 5 = 35,
पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए, सो दैट शुड बी 1.5। नेक्स्ट 22 × 1.5 × 10.5। पहले ये 22 × 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 22 × 15 दैट इज 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करके बाद में पॉइंट देंगे। 15 × 30 = 3, 15 × 30 + 3 = 33, और पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए तो 33.0। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहां पर लिखेंगे 33 × 10.5। अब इसके बाद 10.5 को हमें 33 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 0, 1 as it is, 3 × 1 = 3। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट आएंगे 5, 1, 3, 5, 6, 4, 3। पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए, सो फाइनल मल्टीप्लीकेशन इज 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। इस तरह से सेकंड एग्जांपल में भी हमें रेडियस 10.5 दिया था, एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना था, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके हमें एरिया मिल गया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें रेडियस दिया है 17.5 सेंटीमीटर। चलो गिवन लिखते हैं थर्ड एग्जांपल, गिवन रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। आंसर फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 × r² दैट इज 17.5 × 17.5। अब 7 से 17.5 को डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 3 इज रिमेनिंग, 35 हो गए, 7 × 5 = 35, पॉइंट देने के बाद हो जाएंगे 2.5। तो नेक्स्ट स्टेप में 22 × 2.5 × 17.5। अब ये 25 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 25 × 2 = 50 = 5, 25 × 2 = 50 + 5 = 55, और पॉइंट देने के बाद हो जाएंगे 55.0, यानी फाइनली हम यहां पर लिखेंगे दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 55 × 17.5। अब ये 55 से 17.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 17.5 × 55, 5 × 5 = 25 = 2, 5 × 7 = 35 + 2 = 37 = 3, 5 × 5 + 3 = 8। अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5, 7, 8 यही डिजिट हमें मिलेंगे, 5, 7 + 5 = 12, 7 + 8 = 15, 16 = 9। तो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 9625, और पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए, सो द फाइनल एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल इन एग्जांपल 3। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स, और यहां पर भी हमें 3 एग्जांपल्स करने हैं। हर एक एग्जांपल में हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है और हमें डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो यहां पर हमें 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डायमीटर का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, रेडियस का वैल्यू मिलेगा, और फिर जो रेडियस मिलेगा उसका यूज करके हम डायमीटर फाइंड करेंगे सेकंड फॉर्मूला यूज करके। तो इस तरह से यहां पर हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें एरिया दिया है
176 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट एग्जांपल V1, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज टू फाइंड डायमीटर। ओके, ऑफ डायमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस, यानी डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत है। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल दिया है उसका यूज करके हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे और फिर वो रेडियस जो आएगा उसका यूज करके डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, एरिया ऑफ सर्कल इज 176 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। रेडियस हमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में 22 अपॉन 7 अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो वो 7 अपॉन 22 हो जाएंगे। 176 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इधर 22 और 176 को डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2 इधर 2 8 जा 16 1 इज रिमेनिंग, 2 8 जा 16 फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 वन जा 11 11 8 जा 88 दैट मीन्स वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 7 एंड देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 8 7 जा 56। अब ये 56 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी आर इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 56। सो रेडियस इज अंडर रूट 56। तो हमें रेडियस मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल का यूज करके रेडियस मिल गया अंडर रूट 56। अब हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। नाउ डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 इंटू रेडियस हमें मिला है अंडर रूट 56 एंड दिस इज द आंसर 2 अंडर रूट 56 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन था और डायमीटर फाइंड करना था। तो हमने पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज किया, उसमें एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करके रेडियस फाइंड किया और जो रेडियस आ गया उसका यूज करके डायमीटर फाइंड किया। तो इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड डायमीटर। तो इसी तरह से करते हैं क्वेश्चन टू, एग्जाम्पल नंबर टू। गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड डायमीटर। तो शुरू में पहले यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन 394.24 एंड दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे तो हमें आर का वैल्यू मिलेगा, यानी रेडियस मिलेगा। सबसे पहले हम ये एलएचएस में जो डेसिमल है उसको निकाल देते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाएंगे, दैट इज 39424। डेसिमल को निकाल दिया तो डेसिमल के आगे दो डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में हमें 100 लेने पड़ेंगे। यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम
ये आरएचएस वाले 22/7 एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो 7/22 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 39424 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब ये 22 और ये 39424 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 वन जा 2 इधर 2 वन जा 2 वन इज रिमेनिंग 19 हो गए, 2 9 जा 18 वन इज रिमेनिंग 14 हो गए, 2 7 जा 14 2 वन जा 2 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट 11 से डिवाइड करेंगे, 11 वन जा 11 इधर 11 वन जा 11 8 इज रिमेनिंग, 87 हो गए तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 7 जा 77। अब 87 में से 77 चले गए तो यहां पर 10 बच गए तो 101 हो गए, 11 9 जा 99 2 इज रिमेनिंग 22 हो गए, 11 2 जा 22 तो 11 से भी डिवाइड करने से 1792 आ गया। बस अभी कैंसिल करने लायक कुछ नहीं है तो हमें मिल गया 1792 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तब हमें आर का वैल्यू मिलेगा। तो ये न्यूमरेटर में 1792 जो है उसको और हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट लेना इजी हो जाएगा। देखो 1792 को हम यहां पर एक फैक्टर 7 है तो दूसरा फैक्टर में और एक हमें 7 यहां पर पक्का मिलेगा तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14 3 इज रिमेनिंग 39 हो गए, 7 5 जा 35 39 में से 35 चले गए तो 4 इज रिमेनिंग 42 हो गए, 7 6 जा 42 तो ये 1792 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 7 and 256 यानी इसे हम 1792 को 7 into 256 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 1792 के फैक्टर्स में हमें मिल रहे हैं 256 इंटू 7। 1792 को हमने फैक्टराइज किया 256 इंटू 7 और ये आगे वाला 7 एज इट इज इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। ओके हमें आर स्क्वायर से आर का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा एलएचएस को फैक्टराइज कर लिया उसके फैक्टर्स हमें मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है यानी उसे हम 16 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट 7 इंटू 7 को हम 7 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और हमें पता है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है यानी सभी नंबर्स स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो गए। अब स्क्वायर रूट लेंगे देयरफॉर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10 हमें मिलेगा, एलएचएस आरएचएस का हमने स्क्वायर रूट ले लिया एंड देयरफॉर आर इक्वल टू 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 तो 16 7 जा 112 आ गया डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में पॉइंट आएगा दैट इज 11.2 आएगा। तो इस तरह से हमें रेडियस मिल गया, ये पहला फॉर्मूला अभी तक हमने यूज करके काम किया है और उससे हमें रेडियस मिल गया 11.2। अब हमें फाइंड क्या करना है डायमीटर, डायमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है सेकंड फॉर्मूला डायमीटर इक्वल टू 2 इनटू रेडियस। तो ये जो रेडियस मिला है इसे हम अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। तो चलो लास्ट आंसर लिखते हैं, नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस दैट इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस कितना आया है 11.2। अब 11.2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 पॉइंट देने के बाद वो हो जाएगा 22.4 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 22.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस समय भी हमने एरिया ऑफ सर्कल जो दिया था तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करके सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर कैलकुलेशन करके लास्ट में ये आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1792 को फैक्टराइज किया ताकि हम सभी नंबर स्क्वायर्स में अरेंज कर सकें और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट लेके रेडियस मिल गया
और रेडियस मिलने के बाद डायमीटर का फॉर्मूला यूज करके डायमीटर मिल गए। इसके साथ ही ये क्वेश्चन टू का सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन टू का थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन टू का थर्ड एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया है 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो चलो गिवन लिखते हैं क्वेश्चन टू थर्ड एग्जांपल। गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड डायमीटर। सो फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 12,474 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इनटू आर स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये 22/7 एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे दैट इज 12474 इंटू 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 1 2 इधर 2 6 12 2 2 4 2 3 6 1 इज रिमेनिंग 14 हो गए 2 7 14। उसके बाद आगे नहीं 11 से 6 2 3 7 को डिवाइड करेंगे 11 1 11 11 5 55 अब 62 में से 55 माइनस करेंगे तो यहां पर बचेंगे 7 तो 73 हो गए तो 11 6 करने पड़ेगा 11 6 66 73 में से 66 चले गए तो 7 रह गए तो 77 हो गए तो 11 7 77। तो देखो 6 2 3 7 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर आ गया 5 6 7। तो फाइनली हमें मिल रहे हैं दैट मींस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7। ये आर स्क्वायर हमने एलएचएस में लिखी है, बाकी नंबर सारे एलएचएस में अरेंज कर लिए। अब इसके बाद हमें स्क्वायर रूट लेना है तो आरएचएस में जो नंबर्स है उसे हम स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो उसके लिए 567 को स्प्लिट करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखो यहां पर एक फैक्टर ऑलरेडी 7 है तो और एक फैक्टर हमें 7 यहां पर मिलना चाहिए ताकि हम 7 स्क्वायर लिख सके, तो इसे हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है 7 8 56 और 7 1 7 तो इसे 7 से डिवाइड करने पर 81 आंसर आ रहा है तो इंटू 7 लिखेंगे तो ये 567 के फैक्टर्स हमें मिल गए 81 इंटू 7 और ये इंटू 7 एज इट इज। अब इसके बाद देयरफॉर वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 81 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है इंटू 7 इंटू 7 को 7 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आरएचएस के सभी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो गए, अब हम स्क्वायर रूट इजीली ले सकते हैं एंड देयरफॉर आर इक्वल टू 9 इंटू 7 टेकिंग स्क्वायर रूट्स एंड देयरफॉर आर इक्वल टू 9 7 63 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करके रेडियस मिल गया। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर का सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितना आया है 63। सो फाइनल आंसर बनेगा 2 3 6 एंड 2 6 12 126 सेंटीमीटर। सो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड एग्जांपल में हमें डायमीटर मिल गया 126 सेंटीमीटर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, देर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो यहां पर हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर पूरे क्वेश्चन को समझ के फिर आंसर लिखेंगे। एक सर्कुलर गार्डन हमें दिया है तो ये इनर सर्कल रिप्रेजेंट्स द सर्कुलर गार्डन और सर्कुलर गार्डन के अराउंड में हमें एक रोड दिया है जिसका की विड्थ 3.5 मीटर दिया है और ये सर्कुलर गार्डन जो है इसका डायमीटर हमें
42 मीटर दिया है, तो सर्कुलर गार्डन का हमें रेडियस ये डायमीटर के हाफ हो जाएगा, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 21 मीटर। तो इस तरह से डाटा हमें दिया है, सर्कुलर गार्डन का डायमीटर जो दिया है इससे हमें रेडियस उसका मिल गया। फिर ये रेडियस में ये विड्थ ऑफ रोड ऐड करेंगे तो हमें 21 प्लस 3.5 यानी 24.5 ये आउटर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो दो सर्कल्स बने हैं, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, ये दोनों का रेडियस मिल जाएगा। इनर सर्कल का रेडियस आ जाएगा 21 मीटर और आउटर सर्कल का रेडियस आ जाएगा 24.5 मीटर। दोनों सर्कल्स के रेडियस मिल गए, फिर हम दोनों सर्कल्स का एरिया निकाल सकते हैं, हाँ, इनर सर्कल का एरिया, आउटर सर्कल का एरिया। और फिर हमें फाइंड क्या करना है, ये एरिया ऑफ रोड हमें फाइंड करना है, रोड का एरिया फाइंड करना है। तो ये आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। इस तरह से इस एग्जांपल में हमें आंसर लिखना होगा। चलो गिवन लिखते हैं, डायमीटर ऑफ गार्डन दैट इज इक्वल टू 42 मीटर, देन आफ्टर विड्थ ऑफ रोड दैट इज 3.5 मीटर। ये दो क्वांटिटीज हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोड। देयरफॉर टू फाइंड एरिया ऑफ रोड, आंसर रेडियस ऑफ इनर सर्कल दैट इज आर इक्वल टू ये डायमीटर अपॉन टू दैट इज इक्वल टू 42 अपॉन टू दैट इज इक्वल टू 21 मीटर रेडियस ऑफ इनर सर्कल। देन आफ्टर विड्थ ऑफ रोड इज 3.5 मीटर एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू आर प्लस विड्थ, दैट इज रेडियस ऑफ इनर सर्कल प्लस विड्थ। रेडियस ऑफ इनर सर्कल 21 प्लस विड्थ इज 3.5, तो एडिशन करेंगे तो दैट इज 24.5 मीटर एंड दैट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो इस तरह से हमें दोनों सर्कल्स का रेडियस मिल गया, इनर सर्कल का रेडियस मिल गया, आउटर सर्कल का रेडियस मिल गया। अब हम दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड करेंगे और उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। तो लास्ट में हम अभी फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। हाँ, तो इनका एरिया फाइंड करना और उसका सब्ट्रैक्शन करना, ये काम हम साथ में ही करेंगे। एरिया ऑफ आउटर सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं और यहां पर आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर लिया है तो आउटर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। इनर सर्कल की रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है तो एरिया ऑफ इनर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब आगे ये दोनों एरियाज में से पाई कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अभी ये पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 22 अपॉन 7 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर कैपिटल आर 24.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 22 अपॉन 7 इन ब्रैकेट अभी 24.5 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो 24.5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 कैरी 2 5
4s are 20 plus 2 22, again carry 2, 5 2s are 10 plus 2 12, plus 4 से मल्टीप्लाई करके 4 5s are 20 carry 2, 4 4s are 16 plus 2 18 carry 1, 4 2s are 8 plus 1 9, plus 2 से मल्टीप्लाई करके 2 5s are 10 carry 1, 2 4s are 8 plus 1 9 and 2 2s are 4, 5 2 10 carry 1, 10 plus 10 20 carry 2 6, और पॉइंट के आगे हमें दो डिजिट्स रखने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 600.25, तो 24.5 का स्क्वायर आ रहा है 600.25 माइनस 21 का स्क्वायर दैट इज 441. अब 625 में से ये 441 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 625 माइनस 441, तो ये पॉइंट के आगे 25 एज इट इज, 10 माइनस 1 9, तो यहां पर 9 हो गए, 9 माइनस 4 5, यहां पर 5 है तो 5 माइनस 4 1, तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है 159.25, सो दैट इज इक्वल टू 22/7 इन ब्रैकेट 159.25, ठीक है. सो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू, हमें इस तरह से आगे हम जा रहे हैं. अब ये डिनोमिनेटर में जो 7 है इनसे हम ये 159.25 को डिवाइड करेंगे, 7 वन सा 7, न्यूमरेटर में 7 टू सा 14, 1 इज रिमेनिंग 19 हो गए, अगेन 7 टू सा 14, 5 इज रिमेनिंग 52 हो गए, 7 7 सा 49, 3 इज रिमेनिंग 35 हो गए, 7 5 सा 35, और अभी डेसिमल के आगे दो डिजिट्स आने चाहिए तो डेसिमल यहां पर देना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ रोड दैट मींस फाइनली वी आर गेटिंग एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 22 इनटू ब्रैकेट में हमें मिला है 22.75. अब ये 22.75 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो फाइनली 22.75 इंटू 22, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 अगेन कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 2 जा 4, प्लस अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही डिजिट्स आएंगे 0 5 5 4, एडिशन 0 5 10 के लिए 0 कैरी 1, 10 के लिए 0 कैरी 1 5, और डेसिमल के आगे दो डिजिट्स आने चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 500.50, यानी उसे हम 5 लिख सकते हैं, एंड दिस इज द एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 500.5 स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहां पर गिवन डाटा मीटर में है. तो इस तरह से एरिया ऑफ रोड हमें मिल गया. तो इस सब में हमें डायमीटर ऑफ द गार्डन दिया था, उसका यूज करके हमने इनर सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिया, इनर सर्कल का रेडियस आ गया 21, फिर उसके बाद विड्थ ऑफ रोड जो दिया था वो इनर सर्कल में ऐड करके हमें आउटर सर्कल का रेडियस मिल गया. फिर हमने डिसाइड किया कि एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. तो फिर इस तरह से आगे सब कैलकुलेशन करके हमें एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 500.5 स्क्वायर मीटर मिल गया, जिसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं. क्वेश्चन 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर. तो यहां पर हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस इज गिवन. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी जो सर्कमफेरेंस हमें दिया है उसका यूज करके हमें रेडियस ऑफ सर्कल मिलेगा, और फिर जो रेडियस ऑफ सर्कल मिलेगा उसका यूज करके हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे. तो इस तरह से यहां पर हमें काम करना होगा. चलो गिवन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, गिवन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन and we have to find area of circle, and therefore to find
एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें रेडियस का जरूरत होता है, लेकिन यहां पर रेडियस तो डायरेक्टली नहीं दिया है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे और फिर बाद में एरिया ऑफ सर्कल हम यहां पर फाइंड करने वाले हैं। तो पहले हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कमफेरेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr। अब सर्कमफेरेंस का वैल्यू हमें गिवन है 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते करते आगे जाएंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा 88 इक्वल टू ये 2 इंटू 22 हो जाएगा 44/7 इंटू आर। अब ये 44/7 LHS में ट्रांसफर करेंगे, सो विल गेट 88 इंटू 7/44 हो जाएंगे इक्वल टू आर। अब 44 से 88 को डिवाइड करो, 44 1 44 44 2 88, 2 × 7 दैट विल बिकम 14। इसका मतलब हमें रेडियस इक्वल टू मिल रहा है 14 सेंटीमीटर। तो देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करके और सर्कमफेरेंस का वैल्यू यूज करके हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो चलो अभी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 × 14, आर हमें 14 मिल चुका है। अब 7 से 14 को डिवाइड करो, 7 × 7 7 2 14, 22 × 2 44 इंटू 14। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 × 4 56 कैरी 5, अगेन 14 × 4 56, 56 + 5 करेंगे तो 61 आएगा। सो हियर 61 एंड देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस लास्ट एग्जांपल में हमें सर्कमफेरेंस दिया था और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना था, तो हमने पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज किया 2πr, उसका यूज करके रेडियस मिल गया और फिर ये रेडियस का यूज करके हमने एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस से 15.6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।